आओ की कड़ी ना देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले प्रभ सियो लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन बिलास पै साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस प्रकार संसार में हम देखते हैं कि कुछ मनुख घमंड कर देते हैं, अभिमान करते हैं, अहंकार आ जाता है उनमें, उनके धन के कारण या फिर उनकी शान शौकत के कारण, उनके जात पात के कारण या उनकी ज़मीन जायदाद के कारण मनुख सोचता है कि भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। और ऐसा सोचकर वो कई बार ऐसा देखा गया है कि अभिमानी हो जाता है। परंतु यदि प्रभु आप उसे संभाल लें, उसे सोची बख्शें, उसे सुमत प्रदान करें, तो वो मनुख सही राह पर चल देता है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि मनुख अपना सारा जीवन अभिमान में ही, अहंकार में ही विचरते हैं और अपने सारे जीवन को यूं ही नष्ट गवा देते हैं। ये मनुख के कर्मों के अनुसार होता है कि मनुख को धन पदार्थ मिलते हैं, शानो शौकत मिलती है, दुनियावी हर खुशी मिलती है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि मनुख अहंकार में आ जाए, अभिमानी हो जाए। कर्म इंसान की अगर पिछले जन्मों के श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, तो पहले तो मनुख को मनुख देह मिलती है, एक अवसर मिलता है ताकि वो नाम जप कर प्रभु का ध्यान धर के सेवा बंदगी में जुड़कर अपने इस जीवन को सवार सके और प्रभु की राह पर चलकर प्रभु की प्राप्ति कर सके। जो मनुख इस बात को समझ लेता है कि उसे मनुख देह इसलिए मिली है ताकि वो प्रभु प्राप्ति कर सके, उसी का इस संसार में आना सफला है। और बाकी सब तो अपने समय को यूं ही व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। वे सोचते हैं खा पी लो, ऐश कर लो, कल किसने देखा है। परंतु कल किसका आया है, ये बात भी बहुत सोचने वाली है, क्योंकि मनुख इसका जीवन कितना है ये तो मनुख खुद भी नहीं जानता। वो तो प्रभु ने अपने हाथ में ही सब कुछ रखा है। जिस प्रकार हम देखते हैं संसार में कि छोटी अवस्था में ही बालक भी इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं और कुछ मनुख उनकी दीर्घ आयु होती है, लंबी उम्र होती है,
गुरु साहब जी कहते हैं मरण लिखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुविधा खोवे आप न चीनस परम्परम रोवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी नौवीं पातशाही तनासी राग में ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी उम्र लिखा कर आया है कि उसे संसार में कितने साल कितने दिन कितना समय जीना है, परंतु यदि मनुष्य अहंकार में जिए कि मेरे पास तो धन दौलत है सभी सुख सुविधाएं हैं और वो अहंकार में ही विचरता रहे तो ऐसे मनुष्य तो संसार में रहकर अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। और जो मनुष्य प्रभु की राह पर नहीं चलते उनका ये जीवन में आना संसार में आना मनुष्य देह में आना यूं ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि बालकपन में बच्चा खेल कूद में अपना जीवन बिता देता है, बड़ा होता है तो वो कामकाज में लग जाता है, धन दौलत के पीछे दौड़ता है और आखिरकार जब बुढ़ापा आता है तो उसके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं जिसके कारण वो चल फिर नहीं सकता, गुरुघर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि उसकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, वो वाणी नहीं पढ़ सकता, मुँह में दांत नहीं रहते, वो वाणी का सही ढंग से उच्चारण नहीं कर सकता, उसके हाथ कांपते हैं, वो हाथ में गुटखा नहीं पकड़ सकता। और आम संसार में ही देखा गया है कि मनुष्य यही कहते हैं कि अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कमाने खाने की उम्र है, बुढ़ापे में नाम जप लेंगे, परंतु बुढ़ापा जिसको आया है उसी को पता है कि बुढ़ापा क्या चीज़ होता है। इस बुढ़ापे में तो शरीर ठीक ढंग से काम नहीं करता, सभी इंद्रियाएं साथ छोड़ देते हैं, सभी इंद्री साथ छोड़ देते हैं, आँखों से दिखता नहीं, दिमाग सही ढंग से चलता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, हृदय कमज़ोर हो जाता है, सोच विचार करने की शक्ति कम हो जाती है। और ऐसी अवस्था में मनुष्य सोचता है कि वो नाम जप लेगा, प्रभु के साथ जुड़ लेगा, सेवा कर लेगा, बंदगी कर लेगा, तो ये मनुष्य गलत सोच रहा होता है। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रूप प्रहलाद जपियो हर जैसे, राम का नाम ऐसे जपें उस प्रभु को ऐसे ध्याएं जिस प्रकार भगत ध्रुव और प्रहलाद ने जपा था। भगत कबीर ने गौरी राग में इस वाणी का उच्चारण किया है, उन्होंने भगत ध्रुव और भगत प्रहलाद का नाम ही क्यों लिया, वो इस कारण क्योंकि छोटी अवस्था में रहकर जो मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, नाम सिमरन में जुड़ते हैं, सेवा बंदगी करते हैं, वो सहज ही प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें इंतज़ार नहीं करना कि कब हम बूढ़े होंगे तब जाकर नाम जपेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में तो कुछ नहीं हो सकता। और मनु को कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि जो भी प्रभु ने दिया है वो गुरु की बख्शीश है, उसे प्रभु की कृपा समझकर स्वीकार करना है और हमेशा निम्रता धारण करके प्रभु के साथ जुड़ना है और कभी अभिमान में नहीं जीना। आज की जो साखी है वो है भाई गंगो जी की। कहते हैं भाई गंगो जी बहुत ही शाहूकार थे, उनके पास धन दौलत थी, नौकर चाकर शानो शौकत
हर प्रकार की घर में सुख सुविधाएं थी। अब हुआ यूं कि जैसे कि हमारे कर्मों का खेल जो कि हम नहीं समझ पाते वो प्रभु ही जानते हैं, जिस प्रकार भगत कबीर जी की वाणी आई है गौंड राग में, जिसमें भगत कबीर जी कहते हैं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। हमारे जो कर्म है उसकी जो गत है वो हम क्या समझ सकते हैं, वो तो प्रभु ही समझ सकते हैं, वही जानते हैं, वही पूछते हैं। ये मनु के हाथों में नहीं कि वो अपने कर्मों की गति को समझ पाए, जान पाए, बूझ पाए, क्योंकि हमने ना जाने जाने अनजाने में ऐसे कौन सी गलतियाँ की हैं इस जन्म में ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों में भी, जिसके अनुसार हमें ये जीवन मिला है। कुछ लोग गरीब घर में पैदा होते हैं तो कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते हैं, ये सभी कुछ उनकी कर्मों के अनुसार ही तो मिला है उन्हें। तो हुआ यूँ ये जो भाई गंगो जी थे वो अमीर घर में पैदा तो हो गए, उनके कर्मों के अनुसार व्यापार किया करते थे, घर में धन दौलत सभी कुछ था, परंतु अपने कर्मों के अनुसार कहते हैं भाई गंगो जी गरीब हो गए, उनके व्यापार में उन्हें घाटा हो गया, बहुत नुकसान हो गया और वे कहीं के नहीं रहे। और जिस प्रकार आम संसार में हम देखते हैं कि जिस मनु के पास धन दौलत होती है, शानो शौकत होती है, व्यापार अच्छा चल रहा होता है, तो उसके पास सभी आगे पीछे घूमते हैं, उसके सभी उसकी बात मानते हैं, उसका साथ निभाते हैं। परंतु जिस मनु के पास उसका व्यापार नष्ट हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, उसे कष्ट आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, या फिर घर में कोई रोग आ जाता है, तो जो आम उसके दोस्त होते हैं, साथ संबंधी होते हैं, वो सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि गरीब मनु को हम आम संसार में देखते हैं कि गरीबों को कोई नहीं पूछता, हर कोई सोचता है कि उसकी दोस्ती, उसकी रिश्तेदारी, उसका मिलना जुलना ऊंचे लोगों के साथ हो, क्योंकि उसके मन में ऐसे विचार चलते हैं कि कोई गरीब मनुख उससे कुछ मांग ना ले। तो मनुख जो गरीब होते हैं उनसे सभी दूर भागते हैं। तो कहते हैं भाई गंगो जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जैसे उनके पास से धन दौलत चली गई, जब वो गरीब हो गए तो कहते हैं उनसे सभी लोगों ने बात करना छोड़ दिया, साथ संबंधियों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया और अब वे अकेले ही रह गए। परंतु जिसका कोई नहीं होता, कहते हैं ना कि उसका खुदा होता है, प्रभु होता है, पिता परमेश्वर होते हैं। तो अब हुआ यूं कि शायद गंगो जी के कुछ अच्छे कर्म बाकी रह गए थे, जिसके कारण गंगो जी को एक अच्छी राह मिल गई। उन्होंने गुरु अमरदास साहब जी की वाणी सुनी, गुरु साहब जी का प्रचार सुना, सिक्खी के बारे में समझा, जाना बूझा। तो कहते हैं ये जो गंगो था वो तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी तीसरी पातशाही जी के चरणों में आया, आकर नमस्कार की, गुरु घर की सेवा निभाई, निम्रता धारण करके
गुरु साहिब जी के साथ रहा और अपने जीवन को सफला किया। और कहते हैं हुआ यूं कि गुरु साहिब जी ने भाई गंगो जी की सेवा को देखकर वे प्रसन्न हुए, खुश हुए और गंगो की सेवा को देखकर गुरु साहिब जी ने वचन किया कि हे भाई गंगो, आप दिल्ली चले जाएं और वहां जाकर अपनी एक कोठी बनाएं और वहीं पर रहें, प्रभु पली करेगा। गुरु के वचनों को मानकर कहते हैं भाई गंगो जी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने जाकर वहां पर अपनी कोठी बना ली और वहीं पर रहने लगे। कहते हैं दिल्ली में एक बहुत बड़ा व्यापारी मुगल लाहौर से आया हुआ था, जिसके पास कहते हैं 1,00,000 सोने की मोहरें थी। दिल्ली में वो विचर रहा था और घबरा रहा था, क्योंकि उसके पास इतनी सारी सोने की मोहरें थी। उसके मन में ये भय था, डर था कि कहीं उसे कोई लूट ना ले, उसका इतना सारा धन बर्बाद ना हो जाए, वो लूट ना जाए। अब हुआ यूं कि वो मुगल कोठियों में भटक रहा था, कोई ऐसा मनुख ढूंढ रहा था जो उसके नाम की हुंडी बना दे, कागज पे लिख दे कि उसका सारा धन उसे लाहौर में मिल जाएगा, ताकि वो आराम से निश्चिंत होकर बेफिक्र रहकर लाहौर पहुंचे और उसे वहां जाकर उसका धन मिल जाए और उसकी जान भी बच जाए। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके पास बहुत सारा धन होता है उसके अंदर मन में घबराहट होती है कि कहीं उसका धन लुट ना जाए, वो बर्बाद ना हो जाए। तो वो मुगल इस प्रकार की बातें सोच रहा था कि मेरी जान बच जाए, मैं ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाऊं, मेरा धन सुरक्षित रहे और मैं बच जाऊं। अब हुआ यूं, जब वो कोठियों में भटक रहा था तो कहते हैं वो मुगल भाई गंगो जी की कोठी पर जा पहुंचा और कहते हैं भाई गंगो जी ने उसे दर्शन हुंडी दी, ये लिखकर दिया कागज में कि हाँ भाई, आपको लाहौर में आपका सारा धन मिल जाएगा, 1,00,000 मोहरे आपको मिल जाएंगी, निश्चिंत रहें। इस प्रकार का उन्होंने हस्ताक्षर करके हुंडी में लिख दिया। अब कहते हैं ये मुगल वहाँ से बेफिक्र होकर लाहौर चला गया और कहते हैं वहाँ जाकर जहाँ पर भाई गंगो जी ने उसे भेजा था लाहौर में जाकर हुंडी लेने के लिए, वहाँ वो पहुँचा, कहा ये हुंडी है, हस्ताक्षर है गंगो जी के, आप हमारे सोने की मोहरें हमें वापस कर दें। और तो हुआ यूँ उस भाई ने भाई गंगो जी की हुंडी देखकर, हस्ताक्षर देखकर, दस्तावेज देखकर 1,00,000 सोने की मोहरे उस मुगल को वापस कर दी। और कहते हैं वो मुगल खुशी खुशी 1,00,000 सोने की मोहरे लेकर अपने घर चला गया। अब भाई गंगो जी की जो हुंडी थी इसका पता सारे बाजार में पता चल गया और कहते हैं कि भाई गंगो जी कुछ ही देर में सब उसे जानने लगे। 1,00,000 सोने की मोहरे तक की हुंडी भाई गंगो जी दे सकते हैं और वो प्रसिद्ध हो गए और धीरे धीरे करके वो फिर से अमीर हो गए।
उनके पास धन दौलत सभी सुख सुविधाएं सब कुछ वापस लौट आए हैं। ये सब कुछ हुआ था गुरु की कृपा के अनुसार, गुरु की बख्शीश से, जो उन्होंने तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी के घर पर जाकर सेवा की, सिमरन किया, बंदगी की। उसी के अनुसार उन्हें धन दौलत मिली थी, परंतु हुआ यूं, कहते हैं कि भाई गंगो जी गुरु साहिब जी का धन्यवाद करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए गुरु घर में नहीं आया। वो अपने धन दौलत के साथ ही खुश रहा। कहते हैं कि जिसके पास धन दौलत आ जाती है, शान शौकत आ जाती है, वो कभी कभी प्रभु को भूल जाता है। परंतु जो मनुख हर अवस्था में खुश रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, उन्हीं का आगे चलकर भला होता है, उन्हीं पर गुरु की बख्शिशें होती हैं, कृपा होती है। अब हुआ यूं, कहते हैं कि तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी के दर पर एक ब्राह्मण आया और कहते हैं उसने आकर गुरु साहिब जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मेरी बेटी की शादी है, विवाह है, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे धन की आवश्यकता है, इस दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे दुख को दूर करें, मेरे दुखों का निवारण करें। कहते हैं सच्चे पातशाह तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी तीसरी पातशाही जी ने एक चिट्ठी लिखकर दी, जिस पर लिखा था कि जो ब्राह्मण आपके पास ये चिट्ठी लेकर आए उसे आप 50 रुपये दे दें। और कहते हैं गुरु साहिब जी ने वो चिट्ठी उस ब्राह्मण को दी और कहा कि आप जाकर ये चिट्ठी दिल्ली में ले जाएं और वहाँ जाकर कोठी में एक भाई गंगो जी रहते हैं, उन्हें जाकर ये चिट्ठी दे दें, आपको 50 रुपये वो दे देगा, जिससे आपकी बेटी का विवाह, शादी बहुत ही आराम से हो जाएगा सब कुछ। कहते अब हुआ यूं कि जब वो ब्राह्मण उस चिट्ठी को लेकर भाई गंगो जी के पास पहुंचा और वो चिट्ठी जब गंगो जी ने पढ़ी, उसमें लिखा था कि इस ब्राह्मण को 50 रुपये दे दें, इसकी बेटी की शादी है। वो चिट्ठी उसने अपने पास रख ली और कहते हैं उस ब्राह्मण को कुछ ना दिया और कहते हैं वो ब्राह्मण खाली हाथ बेचारा गुरु घर में वापस लौट आया और जाकर सारी बात गुरु साहिब जी को बताई। गुरु साहिब जी जानी जानहार सब कुछ जानते थे, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु साहिब जी समझ गए थे कि भाई गंगो जी के मन में अभिमान आ गया है, अहंकार आ गया है, वो गुरु को ही भूल गए हैं, प्रभु को ही भूल गए हैं। और कहते हैं कि जो मनुख गुरु को भूल जाता है, गुरु ने जो उस पर कृपा की है, बख्शिशें की हैं, उसको भूल जाता है, तो मनु के पास कुछ भी बचता नहीं, कख नहीं रहता उसके पास। अब हुआ यूं कि धीरे धीरे करके गंगो गरीब होता गया, उसके व्यापार में फिर से घाटा आता गया। व्यापार में घाटा आने के कारण सभी साथ संबंधियों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने उसका साथ फिर से छोड़ दिया। अब उसके पास कुछ ना बचा था,
और वहाँ कहते हैं गुरु साहिब जी ने उस ब्राह्मण को माया देकर उसकी बच्ची की शादी करवा दी। परंतु यहाँ पर भाई गंगो के पास कुछ ना बचा, वो कंगाल हो गया था। अब उसे ज्ञात हो गया कि उससे जो गलती हुई है कि उसने गुरु को धोखा दिया है, गुरु साहिब जी के वचनों को पूरा नहीं किया, उसी के कारण उसे इतने सारे कष्ट आए हैं, दुख आए हैं, रोग आए हैं, और यहाँ तक कि उसके व्यापार में भी घाटा पड़ गया है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और कहते हैं आधी रात को ही भाई गंगो नज़र बचाकर दिल्ली से निकल आया और गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में जा पहुंचा। अब उसके मन में शर्मिंदगी थी कि वो गुरु साहब जी को जाकर कैसे मिले। कहते वो गुरु घर तो आ गया पर जाकर गुरु साहब जी के दर्शन नहीं किए। उसके मन में शर्मिंदगी थी, दुख था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है जिसके कारण आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। परंतु उसके मन में अभी भी श्रद्धा जाग उठी थी गुरु के प्रति। और कहते हैं उस वक्त गोविंदवाल साहब जी में बौली साहब जी की सेवा चल रही थी और गुरु घर के सिख श्रद्धालु बौली साहब जी की सेवा कर रहे थे। तो कहते भाई गंगो जी ने बौली साहब जी की सेवा करनी शुरू कर दी। वो बहुत ही निम्रता सहित अपने मन में निम्रता धारण करके बौली साहब जी की सेवा किया करता, नाम जपता, सिमरन करता, बंदगी करता, सेवा में निम्रता सहित जुड़ जाता। उसके मन में कोई और विचार नहीं चलते, हर पल वो प्रभु को याद किया करता। तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी तीसरी पातशाही जी को याद करता, पर गुरु साहिब जी ने कभी उन्हें दर्शन नहीं दिए और ना ही भाई गंगो गुरु साहिब जी के दर्शनों के लिए उनके पास गया। वो तो सिर्फ हमेशा दिन रात बौली साहिब जी की सेवा करता। उसने ना दिन देखा ना रात देखी, ना ही वो सोता, ना ही उसे शुद्ध बुद्ध थी कि खाना भी खाना है, सोना भी है, आराम भी करना है, ऐसा उसने कभी विचार ही नहीं किया था। वो तो हर पल प्रभु को याद करता, गुरु का सिमरन करता और बौली साहिब जी की सेवा बहुत ही निम्रता से कर रहा था। और कहते हैं गुरु साहिब जी ने उसकी सेवा को देखकर वे प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और आप चलकर बौली साहिब गए और उन्हें जाकर दर्शन दिए और उसे निहाल कर दिया, उसे भवसागर से पार लंघा दिया। तो ये थी भाई गंगो जी की साखी। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें प्रभु ने हमारे ही पिछले कर्मों के अनुसार जो कुछ भी दिया है, पहले तो हमें मनुख दे दी ताकि हम प्रभु की प्राप्ति कर सकें, नाम जप कर, सेवा करके, बंदगी करके। हमें तो पहले तो प्रभु का शुक्रिया अदा करना है कि प्रभु ने हमें इतना सुंदर देह दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है। इस शरीर से हम गुरु घर पे चलकर आ सकते हैं, अपने कंठ से प्रभु का नाम सिमरन कर सकते हैं, अपने हाथों से प्रभु की सेवा कर सकते हैं, गुरु घर की सेवा कर सकते हैं। हमें पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रभु का। और यदि हमें प्रभु ने धन दौलत भी दी है तो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए,
जिस प्रकार अभिमान और अहंकार भाई गंगो जी ने किया था कभी, जिसके कारण वो फिर से गरीब हो गया था, बर्बाद हो गया था, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम फिर से पीछे आ जाएं आगे बढ़ने के बजाय। नाम जप कर प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए ताकि हम अपना जीवन सफल कर सकें। और कहते हैं प्रभु ने जो हमें धन दिया है वो धन इसीलिए नहीं दिया कि हम सिर्फ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचें, बल्कि हमें सभी के बारे में सोचना है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रभु हमसे परीक्षा लेते हैं, जिस प्रकार परीक्षा भाई गंगो जी की तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने ली थी, उस ब्राह्मण को गंगो के पास भेजकर, चिट्ठी के साथ भेजकर 50 रुपये मांगकर, परंतु भाई गंगो जी ने 50 रुपये नहीं दिए। धन किसने दिया? प्रभु ने दिया। और हम अहंकार में आकर, अभिमान में आकर प्रभु से बड़े हो गए कि प्रभु के बचनों को ही नहीं माना हमने। नहीं भाई, हमें ऐसा नहीं करना, कभी ऐसा नहीं सोचना कि प्रभु ने जो हमें दिया है वो हमारा ही है। नहीं, हमें तो सबकी मदद करनी है, क्योंकि गुरु कभी ऐसा भी करते हैं कि अपने सिख को, अपने बच्चे को किसी ना किसी प्रकार से हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे पास भेज देते हैं, जिस प्रकार गुरु साहिब जी ने उस ब्राह्मण को गंगो के पास भेजा था। तो हमें सबकी मदद करनी है। इस साखी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, बल्कि सबके बारे में सोचना है। यदि हम किसी की मदद कर सकें, किसी लाचार की, किसी दुखियारे की, हम उसे कुछ देकर उसकी मदद कर सकें, तो हम उसकी मदद नहीं करते बल्कि अपनी मदद करते हैं। क्योंकि गुरु कहते हैं ना कि गरीब का मुंह जो होता है वो गुरु का की गोलक होती है। जो मनुख गरीब को कुछ दे देता है वो उसके पास हजारों गुना लौटकर वापस आता है। हम ये सोचते हैं कि हमने गुरु घर में ये छोटा सा कुछ उपहार दे दिया, कुछ पैसे चढ़ा दिए, या फिर हम प्रसाद ले आए, तो आप ये समझें कि आपके पास कुछ घट गया है। नहीं, यही धन आपको हजारों गुना लौटकर मिलेगा। वो भले आज आए ना आए, इस जीवन में आए ना आए, परंतु आगे आने वाले जन्मों में वो हजारों गुना लौटकर आता है। क्योंकि गुरु साहिब जी किसी का धन नहीं रखते, वो तो सब गुरु का खेल होता है। हम यदि किसी को, गरीब को, किसी सिख को या किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को कुछ चाहिए होती है, ज़रूरत होती है, किसी को हम कुछ दे देते हैं या गुरु घर में आकर ही कुछ चढ़ा देते हैं, वो हजारों गुना आपके पास लौट कर आता है। तो हमें कभी अपने धन का अभिमान नहीं करना, ऐसे मन में धारण नहीं करना कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा ही है, मैं किसी को क्यों कुछ दूँ। नहीं भाई, यदि हम ऐसा सोचेंगे तो इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े धनवान व्यक्ति दुनिया में आए हैं और वो धीरे धीरे करके उनके पास से सारा धन चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो बड़े बड़े शाहूकार होते हैं, धनी होते हैं, वो यहाँ तक कि अपने मजदूरों को भी, अपने व्यापार में भी वो चोरी करते हैं, मजदूरों को भी सही ढंग से पगार नहीं देते, जो उसका हक्का बनता है वो भी नहीं देते, छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं। ऐसे लोग फिर बाद में रोते हैं कि भाई मेरे व्यापार में घाटा पड़ गया, मुझे दुख आ गए, घर में कले कलेश होते हैं, मेरे घर में रोग क्यों होते हैं,
दरअसल होता यूँ है कि वो हमारे ही कर्मों का फल लौट कर आता है, हमें मिलता है। हमसे कई बार जाने अनजाने में ऐसी कोई भूलें हो जाती हैं जिसके कारण हमें आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। जिस प्रकार आपने सुना था महाभारत में कि पितामह भीष्म को जब बाणों की छैया में जब वो मौत के मुंह में थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो कहते हैं उन्होंने कहा था कि आप पिछले जन्मों में एक बहुत बड़े राजा थे, आपके रथ के आगे एक सांप आया, आपने उस रथ से उसे कुचला तो नहीं परंतु उस रथ से उतरकर आपने छड़ी से उस सांप को उठाया और झाड़ियों में फेंक दिया था। और कहते हैं उस झाड़ियों में दरअसल कांटे थे, वो कांटों की झाड़ियाँ थी, आपको पता नहीं चला कि आपने फेंका कहाँ पर है और आप चल दिए, परंतु उस झाड़ियों में कांटों में वो सांप तड़प तड़प कर मरा था और उसी की सजा आज आपको ये बाणों की छैया मिली है। तो ये कर्मों का जो सिद्धांत है वो हम मन नहीं समझ पाते, हम किस कारण से दुखी हैं, हमारे पास क्यों रोग आए हैं, क्यों घर में कले कलेश होते हैं, क्यों हम दुखी हैं, इसका कारण हम नहीं जानते, परंतु प्रभु सब जानते हैं। प्रभु किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कई बार हम सोचते हैं ना कि मैं तो अपनी बंदगी करता हूँ, सेवा करता हूँ, अमृत वेला भी संभालता हूँ, फिर भी इतना दुखी क्यों रहता हूँ। ये होता यूँ है कि वो हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें मिल रहा होता है, जो भी दुख है सुख है वो हमारे ही कर्मों के अनुसार मिलता है। तो आज हम ये प्रण कर लें कि हम कभी अभिमान नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे और गुरु का हमेशा शुक्रिया अदा करेंगे, निम्रता धारण करके सेवा करेंगे और कभी गुरु से विमुख नहीं होंगे, क्योंकि जो गुरु से विमुख हो जाता है उसी को आगे चलकर दुख होते हैं, घर में कले कलेश होते हैं, उसी को दुख आते हैं। तो गुरु साहब जी हम सब पर कृपा करें कि हम गुरु के वचनों को मानें और गुरु के कहे अनुसार चलें ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं, सत्संग बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और सत्संग अशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 चुनिया न भोगनी पड़े, ऐसी सात संगत ऐसी बख्शना, विच संगत हर पर बसे जियो, संगत में ही प्रभु आप बसते हैं, फतेह का जवाब फतेह में दें, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।